हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है, और सऊदी अरबिया के अंदर जमील मेंटेनेंस कंपनी का रिक्वायरमेंट आया हुआ है मेरे पास, और 900 जनरल हेल्पर चाहिए। ठीक है, जनरल हेल्पर में आपको कोई भी काम मिल सकता है, और ये शटडाउन जॉब है, 9 से 12 महीने का जॉब रहेगा आपका, और ओनली 20,000 रुपीज़ यानी कि 20,000 रुपये खर्चा है इसमें। ठीक है, 12 महीने का, 9 से 12 महीने का वीज़ा मिलेगा आपको, और जो है 20,000 इसमें खर्चा है, ओनली 20,000। और जनरल हेल्पर में आपको आउटडोर इंडोर कोई भी काम मिल सकता है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि सर ये काम मुझे नहीं पसंद है, ये नहीं कर पाऊँगा। जनरल लेबर में आप जाएंगे तो आपको कोई भी काम, वहाँ जो सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, कोई भी काम आपको दे सकता है। ठीक है, जमील मेंटेनेंस कंपनी का काम रहेगा, और बड़ा कंपनी है, अच्छा कंपनी है, और कोई बंदा अगर जाना चाहते हैं जिसका PCC रेडी है तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, ओनली PCC चाहिए आपका, ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए वीज़ा लगाने के लिए, और कोई एडवांस इसमें पेमेंट नहीं है। वीज़ा के बाद में ही आप 20,000 पे कर सकते हैं। ठीक है, और अभी क्या है, पहले मैं जो है वीज़ा का पैसा, वीज़ा से पहले कोई एडवांस चार्ज नहीं लेता था, लेकिन अभी 5-6 बंदा मेरे साथ में बहुत मतलब गलत किया है कि वीज़ा लेने के बाद में बोलता है वीज़ा कैंसिल मार दो, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, नहीं जा सकता मैं। तो वीज़ा का चार्जेस जब उससे मांगने लगा तो वो बोल रहा है कि कंपनी वाला वीज़ा आपको फ्री में देता है। ठीक है, तो उसका चार्जेस आप क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? तो भाई, कंपनी वाला मुझे फ्री में दे या पैसे से दे, उससे आपको क्या मतलब है? आपका वीज़ा का जो है 20,000 सर्विस, 20,000 या 10,000 जो भी रहेगा वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो वीज़ा अपने पास आया हुआ है इसमें कोई एडवांस पेमेंट नहीं है, आपका वीज़ा टिकट के बाद भी आप 20,000 दे सकते हैं, ओनली 20,000 सर्विस चार्ज है, 12 महीने का वीज़ा लगेगा इसमें। ओके, 9 महीना 12 महीना जो भी काम करना है, उसके बाद चाहे तो आप वहाँ पे दूसरे कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रिटर्न टिकट आपको कंपनी देगा, अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ये अपना कैटरिंग कंपनी, क्लीनिंग लेबर, लोडिंग अनलोडिंग, ये जो है सारा काम जो है आपको मिलेगा, कोई भी काम आपको दे सकता है। ठीक है, सुपरवाइज़र मैनेजर के अंडर में आपको बताएंगे वो काम करो तो आपको करना पड़ेगा, इसमें आप काम चूज़ नहीं कर सकते हैं। जनरल लेबर में आउटडोर इंडोर का कोई भी काम आपको मिल सकता है। ठीक है, ओनली मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए, और ओनली पासपोर्ट जो है ACNR पासपोर्ट चाहिए, ACR नहीं चलेगा। सैलरी जो है इसमें 700 प्लस फूड रहेगा आपका, 8 घंटे का ड्यूटी है, 1 घंटा लंच ब्रेक है, हफ्ते में 6 दिन काम है, 1 दिन छुट्टी है इसमें, और बहुत अच्छा काम है, और सैलरी भी अच्छी इसमें मिल जाएगी आपको ओवर टाइम करेंगे तो। बेसिक सैलरी जो है इसमें 16,000 सैलरी है, और ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो उसका पैसा जो है आपको अलग से दिया जाएगा। मंथली जो है आपको 25,000 आएगा। ठीक है, खाना वीना सारा चीज़ जो है कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। तो पासपोर्ट जो है ओनली ACNR पासपोर्ट चाहिए, और एज लिमिट जो है 21 से लेकर के 36 साल का बंदा चाहिए, और 9 से 12 महीने का वीज़ा आपको लगेगा उधर। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, विजिट वीज़ा नहीं है ये, और बहुत अच्छा काम है। अगर आप जाना चाहते हैं तो कंपनी आपको फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट, बोनस वोनस जो भी रहेगा वो सऊदी अरबिया लेबर लॉ के हिसाब से आपको मिलेगा। तो अगर आपका PCC रेडी है तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ओनली 20,000 इसमें खर्चा है, और जाना है आपको
तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और पासपोर्ट आपका, पीसीसी, दो फ़ोटो, ये तीन चीज़ मुझे चाहिए वीज़ा लगाने के लिए। आफ्टर वीज़ा पेमेंट वेमेंट जो भी रहेगा वो आफ्टर वीज़ा के बाद में ही, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है कॉल कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।